माइक से पूछियो। नहीं साहब ये नहीं चलेगा, ना ना माइक से बोलिए ना। मैं ये कह रहा था मेरे दोनों पुत्र हैं, दोनों ही योग्यता है, लेकिन दोनों का ही। और तो कोई बात नहीं है परिवार में शांत, और तो कोई विषय नहीं है आपका पारिवारिक का है, दोनों बच्चों का। इसके बाद कोई नया विषय मैं जो कह रहा हूँ सुनो आप। जिस नोट को भी चाहोगे निकलेगा वो ही, और जो इसमें नंबर लिखा है 6335। हाँ दादा बताओ, काय की परीक्षा दे रहे हैं और आप क्या पूछना चाहते हो? माइक से पूछियो। नहीं साहब ये नहीं चलेगा, ना ना माइक से बोलिए ना, माइक से बोलिए। हाँ मैं कह रहा था मेरे दोनों पुत्र हैं, दोनों ही योग्यता है, लेकिन दोनों का ही मानसिक असंतुलन है, क्या है, राजयोग में किसी प्रकार में फार भरना नहीं, किसी में भरना नहीं, इस प्रकार से वो करते हैं। नाम बताइए। वो भगवान का नाम लेना। नाम बताइए। एक का नाम खुशवंत है, एक प्रशांत, दोनों ही। बस इसके अलावा कुछ तो नहीं है। उनका राजयोग। और तो कोई बात नहीं है परिवार में ऐसा। और तो कोई विषय नहीं है आपका पारिवारिक का है, बस इनको दोनों बच्चों का। इसके बाद कोई नया विषय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सुनो आप। हाँ जी जी। इसके अलावा कोई दूसरा विषय तो नहीं है भाई परिवार में शांति के लिए बात। और तो नहीं है। भगवान का नाम लेते रहे दोनों। और तो नहीं है। सुनिए मेरे से सुनो, भगवान का नाम घर में उच्चारण होता रहेगा, खुशवंत और प्रशांत की जॉब नहीं लगेगी, साथ ही दिमाग ठीक रहेगा, स्थायी रोजगार सेट होगा, प्राइवेट मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। जाओ नोट कर लेना और गले में लटका लेना, और जो तुमने बर्ड कहे एक एक शब्द जो लिखे गलत हो तो टोक के दिखाओ। क्या प्रेत बाधा है? जॉब तो लगेगी नहीं साहब, सरकारी जॉब नहीं होगी, पता नहीं क्यों, और हो जाए तो जरूर मुझे बता देना। आप हनुमान जी के सेवक हो और हनुमान जी के हम चरणों के धूल हैं। क्या है दादा, या तो पूछने वाला गलत होता है, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं बताने वाला गलत हूं। आप बता सकते हैं कि आपकी किसी भी जेब में जो नोट नंबर है उसका क्या हो सकता है? मेरा पढ़ लीजिए एडवांस, और जेब में यही नंबर का नोट निकलेगा। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, निकालो एक नोट, देखो पहले नोट निकालो, एक जहां से चाहो वहां से निकालो, निकलेगा यही नंबर, निकाल लो, खोल लो, कोई भी निकाल लो एक, जहां से चाहो, जिस नोट को भी चाहोगे निकलेगा वो ही, और जो इसमें नंबर लिखा है देख लो साहब, ये कितना है 35 63 35। हमने क्या लिखा 99 63 35 नंबर का 10 का नोट आप देंगे। हम पागल नहीं है, शंका नहीं होती तो आप ये बात नहीं कहते। आप एक गुमराह कर रहे हो। महाराज जी जो है बच्चों को जब रास्ता मिलाने के लिए मैं गया हूं भाई, उनके जो भगवान के प्रति आस्था हो रही है वो किसी ने कर रखा है। दिखाओ मैं ये कह रहा था किसी चीज को मान नहीं रहे, भगवान ने मेरी आस्था बहुत ज्यादा कर के, भगवान के नाम भी नहीं लेते हैं। नियम से 5 अमावस्या करो, ये मंत्र करना है और ये करने से सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये मंत्र और ये हमने जो लिखा है प्रमाण में इसको विधिवत रूप से समझिए, और हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आशीर्वाद है। चलो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। जॉब तो सरकार जी नहीं लगेगी, मैं झूठ नहीं बोलता, लग जाए तो मुझे जरूर बता देना। पहले खड़े होइए और हनुमान जी के प्रति आस्था रखिए। चलिए ये कहना गलत है कि भाई मेरी सुन ली, मैंने कह दिया, मैंने लिख दिया। मैं किसी की सुन के नहीं लिखता हूं, और जिसमें दम हो जब चाहो तब टोक देना।
ना मैं सुन के लिखता हूं, ना देख के लिखता हूं, ना किसे पूछ के लिखता हूं, बस एक से ही पूछता हूं जिनका नाम है परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीमान जी महाराज। एक से जानने का प्रयास करता हूं, एक का ध्यान करता हूं जिनका नाम है मेरे टेढ़ी टांग वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज। किसी भी मानव जाति से मैं पूर्व जानकारी नहीं लेता और ना ही मेरे दरबार में कोई लेता है, ये दिमाग से हटा देना। हां ये जरूर मैंने कहा है कि किसी के टोकन को लेकर के किसी के नंबर पे ना बैठे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी जानकारी डिफेक्ट जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन तब भी मैं सेंस में रहता हूं, प्रयास ये करता हूं कि किसी की जानकारी गलत ना जाए। कई बार क्या होता है कि जब दूसरे की पर्ची पे कोई बैठता है तो हम पर्ची की तरफ भागते हैं कि किस पर्ची ने कटवाया, मैं उसकी लोकेशन में भागता हूं कि उसके परिवार में उससे संबंधित क्या बाधा है, क्या परेशानी है। ये मेरी बात को आप अच्छे समझना, मेरा कहने का आशा यही था कि किसी के दूसरे के टोकन नंबर पर अपन को नहीं बैठना है, किसी के टोकन नंबर पे अपन को किसी के दस्तखत नहीं कराना चाहिए। यहां तक भी दिक्कत आती है यदि नहीं कि भैया हम पीछे खड़े हैं, तुम जा ही रहे हो, हमारी पर्ची पे दस्तखत करा लाओ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। यदि जो अमावस्या नहीं कर पा रहा है तो पहले की गिनती छठवीं की गिनती का क्रम करके जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए ये छूट है, वो पूज्य गुरुदेव की तरफ के निर्देश हैं जो कि हमारी तरफ से नहीं है। यदि हम अभी कह दें कि जो अमावस्या नहीं कर पाए वो अपनी सात पर्ची कटवा लें और 5,000-5,000 रुपये और एडवांस जमा कर दें, हर आदमी किराया बचाना चाहता है, लो भैया हम अपना काम तो नहीं टूटेगा हमारा, ऐसा नहीं। आने का महत्व है ये ध्यान रखिएगा, भूमि पर आपके पैर के द्वारा यहां के कंकड़, यहां की रज आपके मस्तक लगना चाहिए, यहां के कंकड़ आपको चुमना चाहिए, तभी आपके अंदर के जो भी विकार हैं वो खत्म होंगे। ये अधुक चतुर लोग करते हैं, मैं उनको खेद व्यक्त करता हूं, ऐसा ना करें।